अगर आपके पास एक लड़ने वाला विधायक होगा जो आपकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझेगा, जो लखनऊ जाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा के दरो दीवार को हिलाकर रख देगा, आपकी नाइंसाफी की आवाज को बुलंद करेगा, आपके जुल्म के खात्मे की बात करेगा, आपके बच्चे और बच्चियों की तालीम के स्कूल के बनाने का मुतालिबा करेगा, रोड को अच्छी करने का मुतालिबा करेगा, किसानों के कर्ज को माफ करने का मुतालिबा करेगा, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि डॉक्टर मन्नान साहब को आप अपनी बार अपना वोट देकर इनको यहां से अपना विधायक बनाइए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा यहां पर जलसा होने के बाद, मेरे यहां से जाने के बाद यकीनन बहुत सी पार्टी के लोग आएंगे और आपके दरमियान में बहुत सी बातें करेंगे और आपको ये सोच देने की फिक्र कर कोशिश करेंगे कि देखो सऊदीन ओवैसी आया है, तुम्हारे वोट काटने को आया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताने आया हूं कि सऊदीन ओवैसी ने तो 2019 का पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़ा था। डॉक्टर अब्दुल मन्नान यहां से मेरे उम्मीदवार नहीं थे पार्लियामेंट या सांसद के इलेक्शन में, तो आखिर क्या वजह है कि यहां से बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया? बीजेपी का कैंडिडेट इसलिए जीत गया क्योंकि समाजवादी बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का वोटर बीजेपी के उम्मीदवार के हक में वोट देकर उनको कामयाब कर दिया। क्या आपने बीजेपी को वोट दिया था यहां से? क्या सादुल्ला नगर के किसी लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था? जब आपने नहीं दिया तो फिर आपको सोचना चाहिए कि कैसे बीजेपी का यहां से सांसद कामयाब हो गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बल्कि ना सिर्फ सादुल्ला नगर बल्कि तुरला बल्कि पूर्वांचल बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से सऊदीन ओवैसी कह रहा है आपके वोट की अहमियत नहीं रही, आपके वोट की अब अहमियत नहीं रही। अगर आपको अपने वोट की अहमियत को दिखाना है, अगर आपको अपनी सियासी ताकत दिखाना है, अगर आपको अपनी किसी भी किस्म से अपने वजूद का एहसास दिलाना है, तो आपको इस बार मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस के हक में करेंगे तो आपकी वोट की वैल्यू बढ़ेगी, आपके वोट का वजन बढ़ेगा, आपकी अहमियत बढ़ेगी, आपके मसाइल का हल होगा। वरना ये लोग समझते ही है कि उतरौला हो, सादुल्ला नगर हो, पूर्वांचल हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश का मुसलमान कहां जाएगा हमको छोड़कर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे कह रहा हूं कि हम आपके दरमियान में हैं, आपने बरसों गैरों का साथ दिया, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आज मजलिस आपकी जमात है, आप इसको थाम लीजिए, इसको मजबूत करिए अपनी दुआओं से अपने वोटों से, ताकि ये नाइंसाफी के दौर का खात्मा हो सके। मैं आपको एक मिसाल देकर